गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 12 विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द क्या होते हैं, आपने अपनी पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। विलोम शब्द का मतलब होता है जो एक शब्द होता है उसका विपरीत अर्थ जो शब्द देगा वह उसका विलोम शब्द कहलाएगा। जैसे रात, रात का विलोम शब्द क्या होगा, दिन, हंसना, रोना। ठीक है, तो अब हम जो हमारा पाठ है 12, नाम है जिसका विलोम शब्द, इसका अध्ययन करेंगे, उसको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपकी पुस्तक में दो चित्र दे रखे हैं। एक चित्र में सूरज उदय हो रहा है यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, और दूसरे चित्र में सूरज अस्त हो रहा है। ठीक है, सूरज उगता कहाँ से है, पूरब दिशा से, और छिपता कहाँ है, पश्चिम दिशा से। ठीक है, तो अस्त होना सॉरी उगना और उदय होना और अस्त होना, तो उदय का विलोम शब्द क्या होगा, अस्त होना। पूरब का विलोम शब्द क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, अब है सबसे पहले इसकी परिभाषा बता देती हूँ। इसकी परिभाषा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि एक कोई शब्द जिसका उल्टा या उससे विपरीत अर्थ निकल रहा है वह क्या कहलाएगा, विलोम शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब देखो हमने ये चित्र देखे थे, एक में सूरज उदय हो रहा था, एक में छिप रहा है, तो सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। ठीक है, तो पूरब का विलोम शब्द क्या हो गया, पश्चिम, और उदय का क्या हो गया, अस्त होना। ठीक है, अब और चित्र दे रखे हैं उनको देखिए, तो एक में बच्चा खुश हो रहा है, हंस रहा है, और दूसरे चित्र में वह रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हंसने का विलोम शब्द क्या होगा, रोना। आगे का चित्र जो दे रखा है, एक में चिड़िया जो तोता है वह पिंजरे में बंद है यानी कि अंदर है, और एक बाहर है, तो इसमें अंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है बच्चों, तो ऊपर बने चित्र और उनके नीचे लिखे वाक्य में पूरब और पश्चिम तथा उदय और अस्त एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। समझ में आया कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह विलोम शब्द की परिभाषा है। बच्चों, इसको आपको याद करना है, जो शब्द एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विलोम शब्दों को पढ़िए तथा याद करिए। आपकी पुस्तक में कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है लिखा हुआ है सुबह, तो सुबह का विलोम शब्द क्या होगा, आप बताओ बच्चों क्या होगा, आप थोड़ा सोचो, सोच समझ के अपने मन में सोचिए कि सुबह का क्या होता है, सुबह कब होती है, जब हम जगते हैं, और फिर क्या होगा सुबह का, शाम, नया, पुराना, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, सुख, दुख, ऊपर, नीचे, हार, जीत, प्रश्न, उत्तर, पास, दूर, मजबूत, कमजोर, हल्का, भारी, अमीर, गरीब, कड़वा, मीठा, काला, सफेद, साफ, गंदा, बूढ़ा, जवान, गर्म, ठंडा, उजाला, अंधेरा, चतुर, मूर्ख, पाप, पुण्य। ठीक है, देखा आपने, सुबह का विलोम शब्द क्या होगा, शाम होगा, नया का क्या होगा, पुराना, कोई चीज नई होती है कोई पुरानी होती है, अच्छा बुरा, कोई व्यक्ति सच्चा है तो सच्चा झूठा, सुख के विलोम शब्द दुख, ऊपर नीचे, हार का क्या होगा, जीत, प्रश्न उत्तर, पास दूर, मजबूत का क्या होगा विलोम शब्द, कमजोर, हल्का भारी, अमीर का क्या होगा, गरीब, कड़वा मीठा, काला सफेद, साफ
गंदा, बूढ़ा का क्या होगा जवान, गर्म का क्या होगा ठंडा, कोई चीज़ गर्म है तो कोई चीज़ ठंडी है, तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ हो गए ये। उजाला अंधेरा, चतुर मूर्ख, पाप पुण्य। ठीक है, तो देखा ये आपके कुछ विलोम शब्द थे, इनको बच्चों आपको याद करना ही करना है, जितने आपकी पुस्तक में दे रखे हैं इनको आपको याद करना ही है। ठीक है, तो आपकी पुस्तक में इतना ही दे रखा था, ज़्यादा आपकी अभी क्लास थोड़ी क्या स्टैंडर्ड कम है तो आपको सिर्फ इतने ही विलोम शब्द याद करने हैं। ठीक है, और अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है बच्चों, इसको आपको याद करना है। फिर है, हिंदी भाषा में अनेक शब्दों की विलोम शब्द होते हैं। हिंदी में बहुत सारे विलोम शब्द हैं, हर शब्द का कोई ना कोई विपरीत अर्थ होता ही है, इसलिए अनेक शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो आपको पता ही है कैसे आता है, पीडीएफ के जरिए आता है, और कहाँ आता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। तो उस वर्क को आपको अपनी जो होमवर्क कॉपी है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको हिंदी की और हिंदी ग्रामर की एक ही कॉपी बनानी है। ठीक है, उसको आगे आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जो पीछे वाला पार्ट होगा उसमें आपको हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, ओनली क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं, बाकी का सारा काम आपको कहाँ करना है, बुक के अंदर फिल करना है। ओनली जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ही आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, तो आपका जो वर्क है जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा उसको आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में लिखना है, साथ ही साथ क्या करना है उस वर्क को याद भी करना है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।